यहाँ पर हमारे हिबिस्कस प्लांट की कटिंग ग्रो हो चुकी है, बट उसके ऊपर मेलीबग का अटैक हुआ है। तो इस मेलीबग अटैक को हमें तुरंत ही रिमूव करना होगा, बाकी हमारा पूरा प्लांट मर जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं तवन पेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दोस्तों हिबिस्कस प्लांट के ऊपर है और इसमें आपको हिबिस्कस प्लांट की कटिंग मिल जाएगी, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है वो, उसके ऊपर मेलीबग ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्लांट को अगर रूट बाउंड हो गया है तो उसको कैसे फ्री करना है, और फाइनल में फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। तो पहला है हिबिस्कस कटिंग, और कटिंग आपकी दोस्तों हेल्दी होनी चाहिए, हर पार्ट उसका ग्रोइंग होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी मेलीबग अटैक नहीं होना चाहिए। फ्रेश कटिंग लेनी है और पेंसिल साइज उसकी कटिंग होनी चाहिए। बस आप सारी लीफ रिमूव कर दीजिए और अब आप उसको ग्रो कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल पॉट में हम कटिंग को ग्रो करेंगे, इनको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक पॉट के अंदर होल नहीं है, तो आगे आप समझ जाएंगे क्यों। अब यहाँ पर जो पॉट मिक्स रहेगा वो हमारा कोकोपीट रहेगा। कोकोपीट के अंदर फंगस प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत अच्छे से इसमें कटिंग ग्रो हो जाती है। कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी लंबे समय तक होल्ड रहता है, तो कटिंग के अंदर जो छोटी छोटी रूट्स ग्रो होती है ना, उनको काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर मिल जाता है। हिबिस्कस की कटिंग को ग्रो करने के लिए उसके नीचे के छिलके निकालने होते हैं, बार्क एरिया निकालना होता है। इससे रूट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है और इससे प्लांट भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। नर्सरी पर आप जब भी हिबिस्कस प्लांट लेने जाते हैं, वो एक नेचुरल वे में कटिंग ही ग्रो करी हुई होती है और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए वो प्लांट जैसे नज़र आती है। तो इंडस्ट्री लेवल पर अगर रूटिंग हार्मोन का यूज़ ना किया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हम भी यहाँ पर 100% रिजल्ट के लिए केमिकल रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं। जनरली हम सभी के पास रूटिंग हार्मोन नहीं अवेलेबल होता है, उसके अलावा आप यहाँ पर हनी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है, बट ये दोस्तों 100% श्योर नहीं देता है कि आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, बट हम ट्राई करेंगे। ये दूसरा मेथड है दोस्तों, यहाँ पर हम हाइड्रोपोनिक वे में हमारे हिबिस्कस प्लांट की कटिंग को ग्रो करेंगे। इसमें दोस्तों एक बकेट लेना है, एक पॉट लेना है, उसको पानी से भर देना और एक थर्माकोल की रिंग लीजिएगा और उसके बीच में आप होल करके अपनी कटिंग को उसमें डाल दीजिए। बहुत ईजी है, आप देखते जाइए मैं कैसे करता हूँ। एक शार्प टूल लीजिए और होल ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बाकी कटिंग नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगी। होल करने के बाद आप अपनी कटिंग को लीजिए और उसको कम से कम 2 इंच वाटर के अंदर डिप करके रखना है, तभी रूट्स अच्छे से ग्रो हो पाएगी। बस इतना सा वर्क करना है आपको, और बस आपकी थर्माकोल की रिंग लगा दीजिए और उसमें एक्स्ट्रा वाटर भर दीजिए। कटिंग के अंदर वाटर लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना, मॉइस्चर हमेशा रहेगा तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी और बहुत अच्छे से ग्रो होगी। ट्वेंटी डेज़ के बाद जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। यहाँ पर हनी की कटिंग बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई है और देखा जाए तो हर पॉट में एक एक कटिंग मर गई है, बट गुड या फिर अच्छी बात यह है कि हमारे पास 3 कटिंग अवेलेबल है जो कि ग्रो होने के लिए रेडी है। वाटर में ग्रो करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम डे बाई डे इसकी रूट्स की ग्रोथ देख सकते हैं। चलिए अब हमारे कोकोपीट के अंदर जो कटिंग्स ग्रो कर रखी है उनका रिजल्ट भी देख लेते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी रूट्स हमें नज़र आ रही है। नंबर 2, मेलीबग ट्रीटमेंट। और मेलीबग का अटैक दोस्तों सबसे ज़्यादा उस प्लांट पर होता है जब वो अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में होता है, वो प्लांट फाइट नहीं कर सकता है और उसकी सबसे नाजुक डाली पर ही मेलीबग अटैक होगा। तो हमारी एक कटिंग के ऊपर मेलीबग अटैक काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से लग चुका है, तो अब यहाँ पर हम इस ब्रांच को रिमूव करेंगे कोकोपीट के अंदर से, और इसके अंदर से हम स्प्रे की मदद से तुरंत प्रभाव में हम सारे मेलीबग रिमूव कर देंगे। हमारा ये हिबिस्कस प्लांट शेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर सबसे पहले मेलीबग का अटैक हुआ है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ पेड़ रखा हुआ है छाया के अंदर, तो उसके ऊपर चेक करना मेलीबग अटैक तो नहीं हो रहा है, और उसको बस एक स्प्रे गन की मदद से आप फोर्सफुली रिमूव कर सकते हैं।
मेलीबग को हटाने का जो तरीका है आपको भी सेम वैसा ही तरीका अपनाना है। यहाँ पर मेलीबग को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, मारना ज़रूरी है। अगर आपने इधर उधर फेंक दिया तो चींटियाँ लेके आएगी और फिर से प्लांट पे लगा देगी। तो आपको मेलीबग को इकट्ठा करना है और उसको वाटर में ड्रेन कर दीजिए। नंबर 3 है हिबिस्कस ग्राफ्टिंग। यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है ताकि उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल कलर के फ्लावर फ्रूटिंग आ जाए और वो भी एक सिंगल प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पर हिबिस्कस प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करना बहुत आसान है। आपको आसपास की सारी ब्रांचेस रिमूव करनी है जिस ब्रांच पर आपको ग्राफ्टिंग करनी है। कोशिश करिए कि उसकी हाइट के लेवल के आसपास जितने भी ब्रांचेस हैं सबको कट करिए और बस एक इंसेक्टिसाइड लीजिए, एक कटर लीजिए, बहुत शार्प होना चाहिए, और अपनी ब्रांच को पकड़िए और उसमें एक वी कट लगा दीजिए। हमारा ये वी कट बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। अब आपको एक और ब्रांच लेनी है अदर या फिर दूसरे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर से, उसमें से सारी लीफ आप रिमूव करिए और उसको आप एक ऐसा एंगल में कट करिए जैसे हम पेंसिल को छीलते हैं उस तरह से, और बस अपनी ब्रांच लीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए अपने ग्राफ्टिंग पार्ट में। ग्राफ्टिंग टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने जो ब्रांच ऊपर से लगाई है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, इसलिए आप ग्राफ्टिंग टेप की मदद से उसको टाइटली पैक कर दीजिए ताकि एयर फ्लो बंद हो जाए, और एयर फ्लो नहीं होगा तो आपकी ब्रांच काफ़ी अच्छे लंबे समय तक ग्रीन रहेगी। अब टेम्परेचर कंट्रोल करने में आप पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। अब उस ग्राफ्टिंग वाली ब्रांच को कवर करके रख लीजिए और बस रबर बैंड की मदद से टाई अप कर दीजिए और प्लांट को शेड में ही रखना है। नंबर 4 है हिबिस्कस को हेल्दी कैसे बनाया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लाया जाए। यहाँ पर आप हमारा प्लांट देख रहे हैं ना, बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लीफ की कमी हो रही है और बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है ना। ये दो कंडीशन की वजह से हो जाता है, सबसे पहले तो रूट बॉन्डिंग या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो यहाँ पर दोनों ही केस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो उसके लिए हम प्लांट को सबसे पहले ट्रिम करेंगे, थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाएंगे जिससे प्लांट में एक ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप इसकी रूट्स को देखिए कितने ज़्यादा इसमें रूट बॉन्डिंग हो रही है। पॉट में से हमने बाहर निकाल दिया है और इसकी रूट्स को अब हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, फ्री करेंगे। एवरी 2 ईयर के बाद आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसकी नियरली 60% के आसपास तक की सॉइल निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि सेंटर वाला रूट बॉल नहीं टूटना चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं हम उसे कट कर देंगे और प्लांट को फ्री कर देंगे इन एक्स्ट्रा रूट के बंडल से। पॉट हम सेम ले रहे हैं, यहाँ पर उसका ड्रेनेज होल आप चेक कर लेना कि ब्लॉक तो नहीं हो गया है। बस उसके ऊपर एक स्टोन रख दीजिए ताकि आप एक्स्ट्रा वाटर जो भी डाले वो निकल जाए, और उसके बाद आप एक सैंडी सॉइल का मिक्स लीजिए और उसके पेस पर डाल दीजिए ताकि वाटर बिल्कुल भी स्टोर ना हो। और फर्टिलाइज़र में दोस्तों आप काउडंग कंपोस्ट डालेंगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा रूट्स आपकी ज़्यादा हो तो उसमें डाल सकते हैं, और बस ऊपर से सॉइल कवर करिए। कुछ बनाना के छिलके डाल सकते हैं जिससे पोटाश सॉइल के अंदर बना रहेगा और प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब बस इसमें फ्रेश न्यू सॉइल डालिए और बस प्लांट आपका रेडी है प्लांटेशन के लिए। अब बस साइड साइड से मिट्टी भर दीजिए और इसमें पानी डालकर वेट करें प्लांट की रीग्रोथ का। प्लांट को शेडी एनवायरमेंट में ही रखना कम से कम 3 डेज के लिए। कुछ ही दिनों में आपका प्लांट कुछ इतना हरा भरा नज़र आने लग जाएगा। ये तो स्टार्टिंग है दोस्तों, थोड़ा सा और वेट करिए। लीजिए आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है और ये अब फ्लावर भी प्रोड्यूस करने लग गया है। इसको कुछ और समय एक्स्ट्रा देंगे और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला है और हेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 5 बनाना पील फर्टिलाइज़र। और दोस्तों बनाना पील फर्टिलाइज़र किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए अमृत का जैसा है। बनाना पील के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर आप ड्राई छिलके भी यूज़ कर सकते हैं और जो आप फ्रेश छिलका खा रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है, सारे बनाना पील जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं उनको एक ग्लास जार में डाल दीजिए और बस ओवरनाइट छोड़ना है आपको इनको ताकि ये अपना न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिजॉल्व कर सके। नियरली 24 आवर के बाद आपके पास बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र मिलने वाला है जो आपके प्लांट को बूस्ट कर देगा और उसके अंदर फ्लावर ही फ्लावर आ जाएंगे। बनाना पील फर्टिलाइज़र को एक बार शफल करिए और उसके बाद किसी भी ग्लास जार में उसको छान लीजिए और बस एक ग्लास आप 8 से 10 इंच वाले पॉट को ईजिली दे सकते हैं।